यदि आपके कुछ सपने हैं तो निश्चित रूप से समर्पण, बलिदान, कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका उदाहरण पेश किया है कसरावत के किसान दिलीप यादव के बेटे ज्योतिरादित्य यादव ने, जिन्होंने जेई एडवांस परीक्षा में मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। 360 पूर्णांक में से 243 अंक प्राप्त कर इंडिया लेवल पर 424वीं रैंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण निमाड़ा को गौरवान्वित किया है। इसके पहले भी ज्योतिरादित्य ने जेई मेन्स परीक्षा में 99.97 अंक प्राप्त कर इंडिया में 158वीं रैंक प्राप्त कर जेई एडवांस परीक्षा में सफलता का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। एक किसान परिवार से संबंध रखने वाले ज्योतिरादित्य का कहना है, मजबूत इरादे, कठिन परिश्रम से सफलता जरूर मिलती है। ज्योतिरादित्य का सपना है कि कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो मैं पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। ज्योतिरादित्य अपनी पढ़ाई का 60% खर्च स्कॉलर से ही पूरा कर लेते हैं और सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों के अलावा माता हीरामणि और पिता दिलीप यादव को देते हैं। उनके पिता दिलीप यादव का कहना है कि मेरा बेटा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहता था, निश्चित कोई बड़ा मुकाम हासिल कर देश की सेवा करेगा। और आज मेरे बेटे ने दशहरे के दिन घर में दिवाली की रौनक ला दी है। कसरावत शकील खान की रिपोर्ट। आज हम यादव परिवार के साथ हैं, दिलीप भाई यादव जिनका बेटा लगातार जेई मेंस में नंबर बाजी मारते चले आ रहे हैं और अब इस बार जो है जेई एडवांस में भी उन्होंने मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया और आज दशहरे के दिन इस परिवार को डबल खुशियां दी है। तो दशहरे की खुशियों के साथ में इस परिवार में आज जो है जेई मेंस के जो रिजल्ट में तीसरे नंबर पा करके और लगभग निमाड़ को मैं कहूँ तो 50 साल के बाद इस तरीके का गौरव प्राप्त हुआ है, तो बेहद खुश है इस परिवार और हम भी बेहद खुश है कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी जो है सौगात लेके आए हैं आज दशहरे के दिन। तो हम बात करेंगे ज्योतिरादित्य से कि कैसी रही तैयारी और दशहरे के दिन आपने जो परिवार को गिफ्ट दिया है और इस एरिया को जो गिफ्ट दिया है वाकई बहुत बड़ा है, तो कैसी रही तैयारी आपकी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी सर मैंने वही 2 साल सर फोकस एडवांस को रख के मैंने अपनी तैयारी की थी, काफ़ी आराम से अच्छे से तैयारी हो गई थी। 1 साल ऑनलाइन जो पढ़ाई करना पड़ी उसमें थोड़ी तकलीफें होती थी, लेकिन उसके बाद भी क्या मैनेज करके घर वालों से बात करके टीचर्स वगैरह से लगातार डिस्कशन करके काफ़ी अच्छे से तैयारी हुई। निश्चित हम पहले भी आपसे मिलते रहे हैं, आपका लक्ष्य जो था उसको आपने हर बार भेदा है और लक्ष्य को पूरा किया है, तो कोई विशेष कोई टेक्निक है आपकी कि आप जो लक्ष्य को निर्धारित करते हैं उसको पार कर पाते हैं, उसके लिए क्या कोई खास तरीका अपनाते हैं आप? सर ऐसी कोई एक चीज़ तो नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ कि ये करके मैंने ये हासिल किया था, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको जब अपन एक साथ में करते हैं तो रिजल्ट समझ में आते हैं। तो इसलिए मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे लगातार काम करना और मतलब जो टीचर्स जो बता रहे हैं उसको एकदम कंटिन्यूसली फॉलो करना, हर बार फॉलो करना, तो ये सब काफ़ी सारी और लगातार मेहनत करते रहना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मतलब ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए मैं आपके पिताजी भी साथ में, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आप बताइए कि किस तरीके से आपको लगा था क्या कि क्या ये जो लक्ष्य है इसकी तैयारी चल रही थी, तो किस तरीके से आपकी उम्मीद थी? बचपन से उसका पढ़ने का जो तरीका था उससे लगातार रिजल्ट अच्छे आए हैं, जैसे जितने भी प्रयास हाई स्कूल में जब पढ़ता था तब भी वो लगभग फर्स्ट क्लास में प्रथम ही आया, तो पक्का भरोसा था कि जो भी करेगा बेहतर करेगा। आप बताइए कि आप क्या कहेंगे अपने? मैं भी यही बोलूंगी ये सब उसकी मेहनत ही है, उसने इतनी मेहनत करी है उसका ये नतीजा है। और तो परिवार बेहद खुश है, हम जिस तरीके से देख रहे हैं परिवार बेहद खुश है और दशहरे की जो खुशी है वो इस परिवार में डबल हो गई है। तो हम सब जो है मिलकर ज्योतिरादित्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और निश्चित रूप से जो उनका सपना है कि कोई बड़ा कॉलेज इन्हें मिले तो निश्चित रूप से उनके जो सिलेक्शन है वो बड़े कॉलेज में होगा और हम एक बार फिर से गौरवान्वित महसूस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।